माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ नेवल शिप यार्ड रिपेयर रिक्रूटमेंट 2019, जो कि कर्नाटका से रिलीज हुई है। तो इसकी डेट ऑफ पब्लिशर है 23/10/2019, 23 अगस्त अक्टूबर 2019। तो इसमें जो पोस्टेज निकली हुई है वो है आईटीआई होल्डर्स के लिए और 8th पास के लिए। तो आईटीआई होल्डर्स के लिए जो है पोस्टेज निकली हुई है, तो उसके लिए जो आपके पास है अप्रेंटिसशिप 1 साल की होगी आपकी, और जो 8th पास हैं उनके लिए 2 ईयर की ट्रेनिंग है। तो देख लेते हैं जो आईटीआई होल्डर्स हैं उनके लिए 1 ईयर की जो ट्रेनिंग है उसमें अलग अलग यहाँ पे ट्रेड्स हैं जिनकी वैकेंसीज अलग अलग हैं, तो वो कैटेगरीज वाइज यहाँ पे दी है। तो वो आप नोटिफिकेशन में लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगा पीडीएफ का, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से ट्रेड्स के लिए यहाँ पे पोस्टेज निकली हुई है। सो उसके बाद देख लेते हैं 2 ईयर की जो ट्रेनिंग है वो किसके लिए है। 2 ईयर की ट्रेनिंग है आपकी जो 8th पास हैं, तो रिचर आप लगेंगे उसमें। रिचर में आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो 8th पास होना चाहिए पर्सन, आपकी डिजायरेबिलिटी होगी फिल्टर, जो फिटर आप लगते हैं उसकी आपकी डिजायरेबिलिटी होगी। और 5 पोस्टेज हैं, और शिप विंग राइट स्टील उसमें आप फीटर लगोगे, 10 पोस्टेज हैं उसमें भी, उसमें भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ आपकी 8th पास है। तो अब हम देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन आएगी फर्स्ट ऑफ ऑल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास 50% मार्क्स इन मैट्रिक होने चाहिए, प्लस 60% मार्क्स आपके आईटीआई में होने चाहिए, और जो आपकी आईटीआई है वो किसी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंटल और गवर्नमेंटल जो रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ से होनी चाहिए। तो जो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए वो NCVT और SCVT का होना चाहिए, या तो नेशनल का और स्टेट काउंसिल की होनी चाहिए। तो मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट आपको जो रिचर है उसके लिए 8th पास है, और डिजायरेबल आप जो होगी आपकी डिजायरेबिलिटी वो है आईटीआई फीटर की। तो अब हम देख लेते हैं एज, जो एज है आपकी, तो कैंडिडेट मस्ट बी कंप्लीट 14 ईयर एंड बी बिलो 21 ईयर, मिनिमम 14 साल का होना चाहिए और 21 साल से कम होना चाहिए। और जो आपका है 1 अप्रैल 2020 के पहले पहले, और कैंडिडेट बॉर्न होना चाहिए 1999 के बीच में और 2007 के बीच में। तो जो अपर एज लिमिट है वो आपकी 21 है, और जो आपको एज रिलैक्सेशन है वो 5 ईयर फॉर SC/ST हैं एंड 2 ईयर फॉर जो नेवल हेडक्वार्टर्स है जिनके फादर्स वहाँ पे पहले ही ऑलरेडी जॉब करते हैं, तो उनके लिए है। अब देख लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपके पास हाइट होगी 150 सेंटीमीटर होगी, और वेट आपका लेस देन 45 kg नहीं होना चाहिए, और चेस्ट जो आपकी है वो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंडेबल होनी चाहिए, और जो आईज है आपकी वो 6x6 to 6x9 होनी चाहिए। 6x6 होनी चाहिए आपकी करेक्ट, और जिनको ग्लास लगा हुआ है उसके 6x9 करेक्ट विद ग्लास होनी चाहिए। और अब हम देख लेते हैं कि इसके बाद कि जो आपका कैंडिडेट है वो जब इंटर अप्रेंटिसशिप के लिए ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करेगा, सो वो किसी भी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट इंडस्ट्री में वर्किंग नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद देख लेते हैं हम रिजर्वेशन। जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ ओनली रिजर्व कैटेगरी के लिए है, जो कि है हमारे पास 3% वैकेंसी ईच ऑफ जो फिजिकली डिसेबल पर्सन है एंड एक्स सर्विसमैन चाइल्ड जो कि ऑलरेडी नेवल शिपयार्ड में वर्क कर रहे हैं उनके फैमिलीज के लिए। तो अब देखते हैं हम 4th ऑप्शन की हाउ टू अप्लाई। अप्लाई आप सिर्फ इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आप देखिए www.apprenticeshipgovernment.net पे आप जाएंगे, और जाने के बाद आपने अपनी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कंप्लीट करनी है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट आप वहाँ पे अपने पूरे डॉक्यूमेंट वहाँ पे स्कैन डालोगे। स्कैन डॉक्यूमेंट में आपके पास क्या रिक्वायरमेंट होगी, पासपोर्ट साइज कलर फोटो प्लस एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th क्लास और टेक्निकल एजुकेशन जो आपकी है टेक्निकल एजुकेशन के जो भी सर्टिफिकेट है आईटीआई के लिए, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट विद
एनटीसी, और उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए जो कि आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो आपका चलेगा, और या तो 10th का सर्टिफिकेट चलेगा या तो जो म्यूनसिपल पार्टी कॉरपोरेशन होती है आपके यहाँ पे, या म्यूनसिपल पार्टीज और पंचायत, वहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ला सकते हैं। तो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट डालने आपने, आफ्टर दैट आपके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपने पूरे फॉर्म अपने फिल करने के बाद डिटेल डालने के बाद अपने ईमेल एड्रेस करेक्टली डालें ताकि जो इन्फॉर्मेशन है आपको वो इसी ईमेल पे आपको आएगी। आफ्टर दैट आपके जो अप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद आप अपने अप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने जो अप्लीकेशन आपने अप्लाई किया है तो आपने उसको पोस्ट करना है। तो पोस्ट करने के लिए आपके पास जो आपने ऑनलाइन प्रिंट निकाला होगा उसको आप प्रिंट करेंगे, और प्रिंट करने के बाद आपने इसको इसके साथ जो अटैचमेंट डॉक्यूमेंट है वो लगाना है, मैट्रिक की अपनी सीट, आईटीआई की जो भी मार्कशीट है प्लस सेमेस्टर वाइज, और कैटेगरी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी की कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपने लगाना है, प्लस आप फिजिकली डिसेबल पर्सन है तो उसका सर्टिफिकेट, और उसके बाद आप अगर नेवल डिफेंस सिविलाइजेशन एम्प्लॉय हैं तो उसका आपने अपने सन और डॉटर्स का जो रिलेशन सर्टिफिकेट है वो भी अटैच करना है। तो ये सब अटैच करने के बाद आप इसको इस साइट पे भेजेंगे, द ऑफिस इन चेंज डेक यार्ड अप्रेंटिसशिप स्कूल NSRY नेबल बेस PO कारवार कर्नाटका 581308 पे, यहाँ पे आप इसको पोस्ट करेंगे। तो पोस्ट करने के बाद आपकी जो लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड पर्सन है वो होगी 1 दिसंबर 2019 से में आपकी जो रिजेक्टेड पर्सन होंगे उनकी लग जाएगी। और जो रिजेक्टेड पर्सन होंगे तो वो क्यों होंगे, क्योंकि वो आप या तो एज के लिए हो सकते हैं, या तो ड्यू डेट के लिए हो सकते हैं, या तो आपकी आईटीआई कंप्लीट नहीं होगी, तो उन पर्सन को रिजेक्टेड किया जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगी। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपके पास कैंडिडेट की जो ईमेल एड्रेस है वहाँ पे ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। आफ्टर दैट आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, जो आपका ट्रेड है, तो उसमें आपको 1 फरवरी 2020 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और आपको इंटीमेशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन मिलेगी आपकी ईमेल पे। तो अब देख लेते हैं हम कि रिटन एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 10th बेस होगा, उसमें आपको क्या क्या आएगा। उसमें आएगा आपको मैट्रिक का जो बेस एग्जामिनेशन होगा, उसमें आएगा मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, और जो आपकी मैट बनेगी आपकी रिटन बेस के ऊपर। तो रिटन बेस के ऊपर जो मैट बनेगी वो आपकी जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वहाँ की आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। तो आपकी जब सिलेक्शन हो जाएगी, आप मेरिट लिस्ट क्लियर कर लोगे, तो आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका इंटरव्यू होगा, और आप इन सब चीज़ों को क्लियर कर लोगे तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो कि नेबल शिप रिपेयर यार्ड के जो वेरीफाइड डॉक्टर्स हैं वो अपने आप पास लेंगे। सो मेन थिंग्स आपको मैं बता देता हूँ कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के टाइम जो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस होगा वो आपको मिलेगा, तो उसमें आपको सेकंड क्लास ट्रेनिंग का जो ट्रेन है उसका फेयर मिलेगा, होम जर्नी एंड स्टेशन टू कारवां, तो जो ओरिजिनल रेलवे टिकट है और बस टिकट है वो आपके पास होने चाहिए। सो जो आप देख लेते हैं फॉर इसकी लास्ट ऑप्शन में क्या है कि जो भी आप अकोमोडेशन वहाँ पे रहोगे वो आपका अपना होगा, 3-4 दिन का अरेंजमेंट आपका अपना होगा। तो आप देख लेते हैं स्टाइफंड में आपको फ्रेंड्स मिलेगा पर मंथ, जो 1 अक्टूबर 2019 वो है 9,000 पर मंथ। और अब आप देख लेते हैं जो अप्रेंटिसशिप का कॉन्ट्रैक्ट है आपका, वो आपका साइन होगा कि 1 अप्रैल 2020 को। तो जो होस्टल है आपके,
तो हॉस्टल है लिमिटेड, तो फॉर बॉयज़ ऑनली, तो जिसमें आपको मिलेगा जो पहले आएगा उसको पहले ही हॉस्टल मिल जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और मेरिट बेस ऑफ आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट ओनली। और ये तो थी पूरी प्रोसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू, जय भारत।